This budget is brought to you by TataAIA.com and Bank of Maharashtra. जीएसटी आने के बाद से भले ही बजट में सस्ता महंगा का आकर्षण कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद आयात निर्यात में ड्यूटी समेत कई दूसरी चीजों से भी कुछ सामानों के दाम बजट के बाद कम ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि 2023-24 के लिए पेश किए जाने वाले बजट में सरकार का पूरा फोकस देश में उत्पादन बढ़ाने और गैर जरूरी सामानों के आयातों को कम करने पर रहेगा। इससे देश के व्यापार संतुलन को ठीक करके चालू खाते के घाटे को घटाया जा सकेगा। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अलग अलग मंत्रालयों से उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट मांगी है जिनका आयात जरूरी नहीं है। इसकी एक वजह है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सेक्टर्स के लिए जो PLI स्कीम लॉन्च की है उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। इस बार के बजट में भी अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से ड्यूटी में कटौती और बढ़ोतरी से जुड़ी सिफारिशों की लिस्ट वित्त मंत्रालय को भेजी गई है। इस लिस्ट के आधार पर अनुमान है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए गोल्ड और कुछ दूसरे सामानों पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। इससे देश से ज्वेलरी और दूसरे फिनिश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले साल बजट में सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। सरकार ने एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर में कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया था, लेकिन इन सेक्टर्स में ऐसे आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरत का सामान नहीं है। अगर सरकार गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करने की योजना बनाती है तो प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर, चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी और लेदर का सामान महंगा हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर के लिए मानक तय किए हैं। इनमें स्पोर्ट गुड्स से लेकर वुडन फर्नीचर और पोर्टेबल पानी की बोतलें शामिल हैं। ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के मैन्युफैक्चरर्स के लिए सामान है। इन स्टैंडर्ड्स की वजह से चीन से आने वाले कई सस्ते सामान का आयात घट सकता है जो कुछ समय के लिए इन्हें महंगा बना सकता है। हालांकि इनमें से कितनी सिफारिशों को वित्त मंत्रालय मानता है इसका खुलासा तो 1 फरवरी को बजट भाषण में ही हो पाएगा।